शिवपुरी जिले के ग्राम बदरवास में जमीनी विवाद को लेकर दिन दहाड़े गोली चलाने का मामला सामने आया है। भोती तरफ से आ रही एक काले रंग की होंडा सिटी कार में सवार होकर आए आरोपियों ने पहले बाइक सवार को टक्कर मारने से महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। उसके पश्चात युवक और महिला पर गोली चलाई है। युवक ने भागने की कोशिश की लेकिन आरोपियों ने पीछा करते हुए युवक के माथे में गोली मार दी। गोली लगते ही युवक की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि आरोपी और फरियादी लोधी समाज से एक ही परिवार के हैं और एक ही गांव उमरी कला के रहने वाले हैं। युवक और महिला को पिछोर के उप स्वास्थ्य केंद्र में लाया गया जहाँ पर डॉक्टर ने युवक को मृत घोषित कर दिया और महिला को झांसी रेफर कर दिया गया। पुलिस ने हत्या और हत्या करने की कोशिश का मामला दर्ज किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार एसडीओपी प्रशांत शर्मा ने बताया कि आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। ये कल शाम तकरीबन 3:30 से 4 बजे के बीच पुलिस को सूचना मिली थी कि ग्राम बदरवास के पास 3 लोग घायल अवस्था में पड़े हुए हैं। पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों को पिछोर अस्पताल लेकर आया गया, जिसमें से एक घायल जिनका नाम अंकेश लोधी था उनकी गोली लगने से मृत्यु हो गई थी और 2 अन्य घायल सपना लोधी आशीष लोधी घायल अवस्था में थे जिनको उपचार हेतु रेफर कर दिया गया, जो भी उपचाररत हैं। फिर फरियादी की रिपोर्ट पर से पुलिस ने 2 नामजद आरोपी सुनील लोधी व शिवम लोधी और उनके 4 अज्ञात साथियों के विरुद्ध हत्या और हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। अच्छा सर, आरोपियों को गिरफ्तार करने के क्या प्रयास है? हमारी अलग अलग टीमें आरोपियों के जो संभावित ठिकाने हैं उन पर दबिश दे रही हैं और जल्दी ही हम आरोपियों को गिरफ्तार करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।